Daddy! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। आज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ मैं आया हूँ। शंकर भाई साहब जो कि एक ट्रेनर भी हैं और वर्किंग डॉग्स ब्रीड भी करते हैं, तो आज इनके पास डच शेफर्ड का स्टॉक है। डच शेफर्ड के कुछ डॉग हैं जो कि इनके ब्रीडिंग प्लान में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि डच शेफर्ड पे और मेलनोआ पे ही काम किया जाए डॉग ब्रीड करने में। तो सबसे पहले तो भैया का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद अमित भाई। तो आप ब्रीडिंग प्लान के बारे में बताएं भैया, अपना क्या प्लान है और किस तरह की ब्लड लाइन आप ब्रीड कर रहे हो अभी आगे? अमित भाई, हम चाह रहे हैं कि डच को इंडिया में और अच्छा प्रमोट किया जाए और इसके लिए हमने डिफरेंट ब्लड लाइन से कुछ फीमेल और ये स्टड के तौर पे हमने बच्चे रखे हैं जी। तो भविष्य में हमारा जैसे ये सेटअप अच्छे से तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में हम एक अच्छी कम्बिनेशन के साथ में एक लीटर तैयार करेंगे। अच्छा, तो अभी कुछ प्लानिंग है, कब तक ब्रीडिंग का कुछ है आपका प्लानिंग? सारी बातें उसी बात पे आ रही हैं कि एक बार ये सेटअप अच्छे से हो जाए उसके बाद में ही हम प्लानिंग करेंगे। अभी अच्छा। कोई मतलब उम्मीद है कि 6 महीने में हमारा पहला लीटर जो है वो अलाउंस विद इन 6 मंथ में अलाउंस हो जाएगा। अभी कितने डॉग हैं आपके पास जो एडल्ट डच शेफर्ड हैं, कितने हैं? एडल्ट मेरे पास 3 फीमेल हैं और ये 2 स्टड है। 2 मेल हैं, जो और वाइडन का एक वीडियो हमारे चैनल पे है और हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। अगर जो वाइडन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके आप इनके बारे में और इनकी इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हैं और जो बाकी सारी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट जानकारी एक उस वीडियो में आपको मिल जाएगी जो और वाइडन की। और कुछ बताएं अपने डच शेफर्ड के, डच शेफर्ड ही क्यों ब्रीड कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों प्लान आया आपके माइंड में? डच शेफर्ड एक तो रफ एंड टफ ब्रीड है, मुझे पसंद है, और एक पूरा एक्सपोर्ट्स कह लीजिए आप उसको, एक मतलब ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। अभी आपको लग रहा है ये सुस्त सा है लेकिन अभी इसको काम दिया जाए तो ये तैयार है। हाँ, जैसे हमने एक वीडियो किया भी था, हाँ, मार्केट में हम इनको लेके घूम रहे थे और बहुत ही आराम से ये, हाँ, पूरा उधर वर्क कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखो कि वो उधर भैया काम कर रहे हैं, भैया के कैनल का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा, तो इसका बिल्कुल फोकस उधर है, उनको देख रहा है ये कि क्या हो रहा है और ये कौन एक अनजान आदमी इधर आ रहा है, तो बड़े अलर्ट डॉग हैं जी जी। तो डच शेफर्ड के बारे में ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप जो आगे आपको और भी वीडियोज़ इनके बारे में देखने को मिलेंगी, और जो एक किसी भी तरह की और कोई नॉलेज या कोई और आप जानकारी चाहते हैं तो भैया से आप बात कर सकते हैं। और ट्रेनिंग की एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है इनके पास यहाँ, और एक कंप्लीट मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट डॉग अगर आपको किसी को चाहिए तो यहाँ से आपके पास डच शेफर्ड मिल सकता है जी जी। डच शेफर्ड में 2-3 खास बातें ये हैं जो मैं मुख्य तौर पर आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि 0 मेंटेनेंस है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद में आपने डॉक्टर के पास लेके जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटीड बात है। और हमने जो ब्लड लाइन चूज़ करी है वो बड़ा सोच समझ के और अलग अलग बड़ी अच्छी ब्लड लाइन हमने चूज़ करी है इसीलिए, और ये वर्किंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आप डच पे जा रहे हैं तो आपने ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं खुद वर्कर हूँ, मतलब थोड़ा सा हिलडुल लेता हूँ टाइम पे, और बस इसके अलावा आपको और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली डॉग भी है और आपकी फैमिली के लिए पूरा प्रोटेक्ट है, पूरा आपको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, स्टेंजर के लिए ये कोई डाउट नहीं है कि उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी भैया का के ब्रीडिंग प्लान के बारे में जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। किसी तरह की और कोई जानकारी चाहिए और कुछ ज़्यादा आप जानना चाहते हैं भैया से डच शेफर्ड के बारे में तो आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं, और इनका जो नंबर होगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां से जाके आप भैया का नंबर लेके और आप इनसे कॉल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।